अगर जन्नत है जमीन पे कहीं, यही पे है हमी नस्तो, हमी अस्तो, हमी नस्तो। इट्स डे 4 इन आवर ट्रेकिंग और सुबह का टेम्परेचर बहुत ही लो है और आज का ट्रेक थोड़ा हल्का होने वाला है। कल बहुत ही ज़्यादा था, आज थोड़ा हल्का है। आई थिंक 4 या 5 किलोमीटर का ट्रेक है और यहाँ पे एक मुश्किल मेरे को हो रहा है, वो है सनबर्न। कल मैंने हाफ पैंट पहन के मैं कर रहा था ट्रेक और मेरा पैर एकदम मतलब कि लाल हो गया, पूरा सनबर्न हो गया, अभी जल रहा है मेरे को, तो इसलिए मैं अभी एकदम फुल पैंट पहन के सब कुछ ढक ढूक के मैं भी जा रहा हूँ। इसका नाम क्या है भाईजान? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज ना। थैंक यू, दिस इज वाइल्ड। अरे गिर गया यार, दिस इज वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। बहुत बढ़िया, वाह, वेरी गुड यार, वाह, दिस इज वाइल्ड बेरी। थैंक यू। हेलो, या वेलकम। पीछे है नंगा पर्वत। एक्चुअली दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंडिया बट राइट नाउ इट्स पार्क ऑक्यूपाइड इंडिया। तो इट्स पी ओके, इट्स पी ओके यार। मेरे लिस्ट में कश्मीर सबसे लास्ट में था। मैंने सोचा था कि इंडिया का बाकी सब स्टेट पहले घूम लूँगा, उसके बाद कश्मीर आऊँगा। बिकॉज ऑफ टू रीज़न, एक तो बहुत खूबसूरत है, इसको देखने के बाद बाकी जगह मुझे लगेगा कि क्या है ऐसा, और दूसरा ये थोड़ा हॉट जगह है, मतलब हॉट मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं, पॉलिटिक्स के हिसाब से। इसलिए चलो, अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, सब शांत है एंड द नेचर इज ऑसम ऑसम। दिल खुश हो गया। धीरे अंतरे अंतरे आछो तुमी हृदय जुरे। सात सार का एक्चुअली मतलब है, यहाँ पे आने के टाइम में हमें 7 लेग मिलेगा इस पास में, तो हमें लगभग 4 लेग देखने को मिला अभी तक। ये सबसे बड़ा लेक है, बाकी जो लेक था वो सूख चुका है और 3 लेक बाकी है जो थोड़ा ऊपर में है, जो हम नहीं जा सकते हैं ऐसा हमारे गाइड ने हमें बताया, इसीलिए इस जगह इस लेक्स को कहते हैं सात सार। हर जगह में मैं जाके ये तो ज़रूर कलेक्ट करता हूँ, मिट्टी या पानी उस जगह का, तो मेरा तो मानना यह है कि हर जगह से मैं आज के ज़माने में इंटरनेट के ज़माने में चीज़ तो मुझे मिल जाएगा कहीं से भी, बट उस जगह का मिट्टी या पानी मुझे कहीं से भी नहीं मिलेगा अगर मैं उस जगह में नहीं जाता हूँ तो। सो दिस इज़ माई हॉबी।
मिल गया। डे 4 का ट्रेक कंप्लीट। आज का ट्रेक थोड़ा छोटा था, लेकिन आज लंच नहीं किया, यहाँ पे आके लंच करना पड़ेगा अभी, तो भूख बहुत जोर का लगा है अभी, पहले कुछ खा लेते हैं। बहुत कठिन है ये जगह। फीलिंग कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत चैलेंजिंग और पहली बार किया लाइव में, पहली बार। अच्छा, मजा आया? पैसा वसूल हो गया? पैसा वसूल? हाँ, पैसा तो वैसे पहले ही हो गया, होना बाकी है पैसा वहां तक जाना। ये पीछे जो लेक दिख रहा है इसका नाम है नंदकोल। केजीएल का एक एक लेक एक से बढ़कर एक है। आज इस ट्रेक का हमारा 5th डे है और कल हमारा बफर डे है, कल हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि जब से आए हैं तब से चढ़ाए उतराए ऐसे ही चल रहा है। और आज का पहला वाला जो पार्ट था वो बहुत टफ था, टफ तो ऐसा तो नहीं था बट फिर भी थोड़ा बहुत टफ था। आज ट्रेकिंग का लास्ट डे है, आज सेकेंड लास्ट डे है, कल तो बफर डे है। हाँ, मतलब अगर बफर डे पकड़ के चले तो मेनली ये ख़त्म हो ही गया। ख़त्म हो ही गया, हाँ। एक्चुअली ये जज्बा बहुत बढ़िया था, बहुत, आई रियली लव इट। हवा बहुत ठंड हवा चल रहा है और मुझे कहा गया है कि सामने जो पहाड़ माउंटेन दिख रहा है ये इस जगह का हाईएस्ट पीक है, इस वैली का। और लग भी रहा है क्योंकि ऊपर एकदम क्लाउड्स मतलब कि फैला हुआ है एंड द ग्लेशियर्स आर देयर, और नीचे ये दो नील लेक, ब्लू कलर का, ब्लू ग्रीनिश ब्लू कलर का वाटर है इसका। एक्चुअली ये मेरे लिए एक अलग सा एक्सपीरियंस है और इसीलिए मैं आया हूँ। मैं थोड़ा कंफर्टेबली ट्रैवल हाइकिंग ये सब करना पसंद करता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा आपको अपना कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्रॉस करते बात करते हैं।
अभी पीछे जो मेरा लेक है इसका नाम है नंदकोल। ये एक्चुअली ट्विंस लेक है। यहाँ पे एक है नंदकोल और उस साइड पे एक है गंगपाल, जो हमारा एक KGL ट्रेक का लास्ट टू लेक्स है। और आज का दिन हमारा ऐसे बफरिंग डे है, तो हम ऐसे ही बैठ के इस जगह को देखते हुए टाइम को बीतते हुए ऐसे ही बिता रहे हैं सभी के साथ मिलके, ग्रुप के साथ मिलके। तो जब से हम आए हैं तब से एक ही दिन, आज का दिन हमें रेस्ट मिला है, तो भरपूर फ़ायदा उठा रहा है इस दिन का। पहले देखिए इस नज़ारे को और अभी देखिए इसको। पता नहीं लोग कब सुधरेंगे। तो ये है आज का नहीं, इस ट्रिप का हमारा लास्ट लेक गंगबाल लेक, और इसी पे हमारा जगह, हमारा ट्रेक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और कल से हम नीचे की तरफ चले जाएंगे श्रीनगर, और मेरे पीछे मेरे जस्ट सामने है गंगबाल लेक। इट्स वंडरफुल, है ना। जब लगता है कि आफ्टर 3 or 4 months इस जगह में कोई नहीं रहेगा, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ, कोई नहीं आएगा। फिर जुलाई से खुलता है ना ये जगह, जुलाई से फिर से दोबारा नेक्स्ट ईयर KGL का ट्रेक स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे तो आप आ सकते हो, कोई भी अच्छा खासा जो भी आपको कंपनी मिलेगा जैसे इंडिया हाइक्स, उनके साथ आप आ सकते हो। कॉस्ट आएगा लगभग 15,000 to 20,000 के अंदर, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई लोकल एजेंसी, आप पहले ऑनलाइन उसको सर्च कर लो ट्रिप एडवाइज़र में या फिर गूगल में, फिर उसका रिव्यू चेक कर लो, फिर उसके बाद उनको कॉल करके अपने हिसाब से, अगर आप कपल्स हो तो कपल के ग्रुप के साथ आ जाओ, अगर आप बैचलर्स हो तो बैचलर्स के ग्रुप के साथ आ जाओ, अगर आप सिर्फ लेडीज़ हो तो लेडीज़ के ग्रुप के साथ भी आप आ सकते हो, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे देखा, सिर्फ लेडीज़ का ग्रुप, सिर्फ बैचलर्स का ग्रुप, सिर्फ कपल्स का ग्रुप। लेकिन ये लगभग 75 किलोमीटर का ट्रेक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते हो दैट इज़ ऑल्सो ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग म्यूल्स के ऊपर उठ के भी चलते हैं, मतलब कि हॉर्स के ऊपर, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बट उसमें इतना मेरे ख्याल से इतना मज़ा नहीं आता है, बट इट्स ओके, आप नज़ारा देख के देख के जा सकते हो, बट ट्रेक का एक अलग मज़ा होता है। तो बस हमारा ट्रेक, हमारा KGL का ट्रिप यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और इस जगह को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। कल हम यहाँ से चले जाएंगे नारनंग, फिर वहाँ पे श्रीनगर, वहाँ से श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर में दो दिन बिताएंगे, एंड आफ्टर दैट विल गो बैक टू आवर सिटी कोलकाता। अगर रेड से रेड कलर आया है ना सेम कलर, वो डुप्लीकेट केसर होगा, ये अपना कलर।
Thank you.